नमो नमः। मम नाम संजीता एनपीएम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के प्रथम पाठ ईश वंदनम नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि इस समय रिवीजन चल रहा है, तो चलिए ध्यान से सभी बच्चे सुनिएगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं। ठीक है बच्चों, इस वंदनम का क्या अर्थ होता है? इसमें ईश्वर की वंदना के बारे में बताया गया है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद सागरम। इसका क्या अर्थ होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। इसके शब्दार्थ को भी आप लोग याद करते चलिएगा। मूकम, मूकम का अर्थ होता है गूंगा। क्या अर्थ होता है गूंगा? देखिए, मूकम, मूकम का अर्थ होता है गूंगा। मूकम करोति, मूकम गूंगा, वाचालम बहुत अधिक बोलने वाला, पंगु लंगड़े को जो एक पैर से लंगड़ा होता है, चल नहीं पाता है, उसको बोलते हैं पंगु। लंघ्यते मतलब लांघना, पार कर जाना। गिरिम, गिरिम का अर्थ होता है पर्वत। यत् कृपा, यत् कृपा का अर्थ होता है जिसकी कृपा से। तमहम वंदे परमानंद सागरम, वंदे का अर्थ होता है नमस्कार करता हूँ, और परमानंद सागरम का अर्थ होता है परम आनंद के सागर को। अब इसका अर्थ देखिए, यत् कृपा मूकं करोति, जिसकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े पर्वत को पार कर जाते हैं, ऐसे परम आनंद के सागर को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से इसके अर्थ को देखिए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद सागरम। यत् कृपा का अर्थ होता है जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से गूंगे बहुत अधिक बोलने लगते हैं, लंगड़े पर्वत पार कर जाते हैं, ऐसे परम आनंद के सागर को मैं नमस्कार करता हूँ, मतलब ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है बच्चों, अज्ञानति, अगला आप देखिए क्या है। अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें देखिए तीन शब्द दिए हुए हैं, अज्ञान और तिमिरा, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। ठीक है, और क्या दिया है, अंधकारस्य। तीन चीज दिए हुए हैं, तीन शब्द, अज्ञान तिमिर और अंधकारस्य। इसका मतलब क्या होगा, जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञानांजन का अर्थ होता है आँखों में लगाने वाला ज्ञान रूपी अंजन, अंजन काजल को बोलते हैं। शलाकया का अर्थ होता है सलाई से, किसी सलाई से आँखों में लगाने वाला काजल। अब इसका अर्थ देखिए, जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से, अज्ञान के अंधकार से। ठीक है बच्चों, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षु का अर्थ होता है आँख, और उन्मीलितं का अर्थ होता है खोलना। जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से, अज्ञान के अंधकार से अंधे व्यक्ति की आँखें खोल दी जाती है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देखिए, जिसके द्वारा ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से,
अज्ञान के अंधकार से अंधे व्यक्ति की आंखें खोल दी जाती हैं, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अगला देखिए, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं एन चराचरं तत्पदं दर्शितं एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं मतलब अखंड मंडल आकार, चराचरम, चराचरम का क्या अर्थ है? चराचरम का अर्थ होता है चर और अचर, सजीव और निर्जीव। सजीव को चर बोलते हैं और निर्जीव को अचर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिविंग एंड नॉन लिविंग, और एन का अर्थ होता है जिसने, इसका क्या अर्थ होगा? जिसके अखंड मंडलाकार चर या अचर व्याप्त है, ठीक है। तत् पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसके द्वारा सारे पद दिखाए जाते हैं, सारे पदों के दर्शन होते हैं, ऐसे ईश्वर को, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर से देखिए इसके अर्थ को, जिसके अखंड मंडलाकार चर या अचर व्याप्त है, जिसके द्वारा इन सब पदों के दर्शन दिखाए जाते हैं, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अगला देखिए, नमामि ईश्वरं प्रातः नमामि जनकं तथा नमामि जननीं पूज्यां नमामि शिक्षकान् तथा। इसका अर्थ होगा, मैं प्रातः उठकर ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। जनक का अर्थ होता है पिता, पिता को प्रणाम करता हूँ। तथा और जननी का अर्थ होता है माता, माता को प्रणाम करता हूँ। नमामि शिक्षकान् तथा, इसके बाद शिक्षकों को नमस्कार करता हूँ। एक बार फिर से देखिए, मैं प्रातः उठकर ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, फिर पिता को नमस्कार करता हूँ, फिर माता को नमस्कार करता हूँ, तत्पश्चात इसके बाद अपने शिक्षकों को नमस्कार करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये जो वंदना दी हुई है इसको आप सभी पढ़कर अच्छे से इसके अर्थ को समझ लीजिएगा और इसके शब्दार्थ को भी याद कर लीजिएगा। इसके अभ्यास के प्रश्नों को करा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप सब पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।